नमस्कार, हाजिर हूं मैं आज दिन भर की यूपी की बड़ी खबरों के साथ। आज का यूपी में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने 76 मंजिल स्थित परिसर में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। 14 से 28 जून तक चलने वाला 15 दिवसीय ये शिविर युवाओं को पुरातत्व की बारीकियों से अवगत कराएगा। त्योहारों और बीएड परीक्षा को लेकर बिजनौर में 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि किसी भी स्थान या शहर में हिंसा, दंगा, आगजनी, मारपीट या सांप्रदायिक झगड़े रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उस जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांति बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर मनाही होती है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन यदि लोग शांति के बजाय किसी गलत इरादे से एकत्रित होने लगे तो धारा 144 लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 14 जून को एक समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का मार्केटिंग कार्यालय खोला गया है। दोनों राज्यों की तरफ से समय समय पर सेमिनार, ड्रामा और थिएटर आदि का आयोजन किया जाएगा। ये समझौता 3 साल के लिए हुआ है, इसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बसों के रखरखाव सुधारने व इससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। मौसम के मद्देनजर गर्मियों में एसी बसों की व्यवस्था सुदृढ़ करने को भी कहा गया है। योगी सरकार यात्रियों के लिए सुरक्षा के साथ ही सफाई पर भी विशेष नजर रख रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत और सुविधा के लिए बनारस से विशाखापट्टनम के बीच एक जोड़ी साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक ट्रेन संख्या 08588 विशाखापट्टनम बनारस साप्ताहिक विशेष ट्रेन का संचालन 21 व 28 जून को होगा। यूपी के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान IIT को नया नाम दिया गया है। AKTU से एफिलिएटेड IET यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया है। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज अब फैकल्टी ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से जाना जाएगा। वहीं यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा का नाम फैकल्टी ऑफ डिजाइन नोएडा होगा। ये फैसला कुलपति प्रोफेसर JP पांडे की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया है। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सतत प्रयास कर रही है। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से सड़कों में जाम की समस्या ना हो, इसके लिए अन्य शहरों से प्रयागराज को जोड़ने वाली 13 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 15 नए रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कतर दोहा के न्यूज चैनल अल जजीरा द्वारा प्रस्तावित फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है। साथ ही फिल्म के कंटेंट की भारत के कानून के तहत सख्ती से जांच करने के बाद ही प्रसारण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश और समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है। इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इसलिए फिल्म का परीक्षण और विचार होने तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई गई है। वाराणसी में 2 सप्ताह के बाद वाटर टैक्सी की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशीवासियों और पर्यटकों को इस वाटर टैक्सी की सौगात दे सकते हैं। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि नमो घाट और 80 घाट के बीच 2 वाटर टैक्सियां चलाई जाएंगी। ये डीजल इंजन से संचालित होंगी। दोनों टैक्सी नमो घाट और 80 घाट से श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार तक ही चलाई जाएंगी। गाजियाबाद में जल्द शुरू होने वाली देश की पहली रीजनल रैपिड रेल यानी रैपिडेक्स के यात्रियों के लिए टिकट खरीद में कई तरह के विकल्प मिलेंगे। वे कार्ड के साथ UPI से भी टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए रैपिडेक्स के सभी स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।